रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच का तनाव चरम पर पहुंच गया है। हाल में यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्रीमिया शहर सेवास्टोपोल पर हमले ने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल यूक्रेन ने इस हमले में अमेरिका की घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसने रूसी इलाके में ऐसी तबाही मचाई कि रूस के लोगों में दहशत का साया मंडराने लगा है। यूक्रेन की हिमाकत देख पुतिन का पारा सातवें आसमान पर है। रूस ने यूक्रेन के साथ साथ अब अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से पश्चिमी देशों को आगाह करने के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन को हर संभव मदद पहुंचाने वाले पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को काफी ढील देनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि अब यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस के भीतर हमले करने लगा है। इस बीच रूस ने क्राइमिया में बर्बर हमले के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। रूस का दावा है कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी गई खतरनाक मिसाइलों से बच्चों समेत 4 लोग मारे गए हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने बीते 24 जून को अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को तलब किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका युद्ध में यूक्रेन की ओर से प्रभावी रूप से एक पक्ष बन गया है। बताया जाता है कि अमेरिकी राजदूत ने रूसी नागरिकों की मौत पर दुख जताया है। अमेरिका पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाते हुए रूस ने जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी धमकी दे डाली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूस इस हमले के बाद शांत बैठने वाला नहीं है। वो जल्द ही अमेरिका को जवाब देने के लिए यूक्रेन पर भीषण हमले कर सकता है। बता दें कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस दावा करता रहा है कि वो पश्चिमी देशों के साथ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया कराता है ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा खुद कर सके। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन अपने टारगेट पर हमला करने का फैसला खुद से लेता है। यूक्रेन अपने खुद के सैन्य ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। इसके जवाब में रूस ने कहा कि अमेरिका के हालिया फैसले से यूक्रेन को रूस के भीतर पश्चिमी देशों के हथियारों से टारगेट करने की अनुमति मिली। इसके लिए अमेरिका को बुरा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने हमले को बिल्कुल बर्बर बताते हुए कहा कि अमेरिका मॉस्को की भागीदारी पर बड़ी प्रतिक्रिया देगा। हम पूरी तरह से समझते हैं कि इसके पीछे कौन है। ये साफ है कि किसने अमेरिका को हथियार मुहैया कराए, उन्हें निशाना बनाया और उनके लिए डेटा उपलब्ध कराया। बेशक लड़ाई में अमेरिका की भागीदारी है, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण रूसी मारे जा रहे हैं। दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला अमेरिका की ओर से सप्लाई की गई 5 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 4 को हवा में मार गिराया गया था, जबकि 5वीं मिसाइल ने रास्ता बदल लिया और वो नागरिक आबादी पर जा गिरी, जिसकी वजह से वहां भीषण तबाही मची। रूस ने दावा किया कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट से मिली जानकारी के आधार पर मिसाइलों की उड़ान निर्धारित की थी।